हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021-22 में वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई प्रणाली में सभी चार उप योजनाएं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जनजातीय उप योजनाओं और पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। योजना बोर्ड की बैठक हमारी आज संपन्न हुई और उसमें बहुत अच्छे सुझाव जो हमारे गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी ओर से भी, और एक प्रेजेंटेशन ACS फाइनेंस की ओर से जो हुई है बहुत अच्छी, उसमें पूरी डिटेल हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है उसका उसमें जिक्र है। और मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे सुझाव जो है हमारे विपक्ष जो हमारे वहाँ पर साथी जो बैठे थे, जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने उसमें सुझाव दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इस कोविड के संकट से बाहर निकल करके जो हमारे रेवेन्यू लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर कर सकें। एक्साइज और पर्टिकुलरली हमारा GST का जो कलेक्शन है उसमें एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, ग्रोथ आई है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। क्या रह सकती है सर, जिस तरह से कोरोना का संकट भी रहा और जो आर्थिक गतिविधियां काफ़ी प्रभावित हुई है, जो रिपोर्ट भी आई होगी देखिए उसमें अभी सारी चीज़ों को लेकर बजट हमारे सामने है तो उससे संबंधित बातें अनस्पेंट मनी की बात की जा रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर, वो काम चल रहा है, जो हमने आदेश दिए बहुत सारी चीज़ें उस पर चल रही है, योजना को तैयार कर दी। ठीक, थैंक यू। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।